हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों के साथ दो किड्स वियर ड्रेस शेयर करूंगी, जिनमें एक तो है ये वाली और एक मैं करती हूँ आप लोगों के साथ बाद में। तो ये गाइस स्वेटर है बेसिकली। अभी क्या है, जैसे कि ठंडी वगैरह आ गई है तो बच्चों के लिए मुझे स्वेटर चाहिए था, और ये मैंने लिया है गाइस लोकल मार्केट से। और मतलब दोनों ही प्रोडक्ट मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मतलब कि ये किस तरीके का है। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी सिटी में मतलब कि किस रेंज में ये सारी चीज़ें मिल जाती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए मैं वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। एंड ये आप देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके की ही पैकेजिंग में आता है जो भी आप प्रोडक्ट लेते होंगे शॉप वगैरह से। इसका जो कलर है वो मैंने लिया है स्काई ब्लू में। इसमें 4 से 5 कलर अवेलेबल थे, लेकिन हमें मतलब कि स्कूल से यही कलर उन्होंने बोला था कि इसी टाइप का हमें कलर चाहिए था, तो फिर ये कलर अच्छा भी लग रहा था एंड हमें चाहिए भी यही था, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये गाइस कुछ इस तरीके से हैं, जो फ्रंट साइड है इसकी वो कुछ इस तरीके से है। एंड इसमें साथ में ये देख सकते हो आप, केप भी इसमें दिया हुआ है। एंड फिर ये ऐसे टाइप करने के लिए इसमें डोरी दी गई है, एंड यहाँ से ये जिप वाला इसमें पैटर्न है, ये कुछ इस तरीके का है। एंड अंदर से ना वूलन वाला है, तो काफ़ी प्यारा है ये, आप देख सकते हो। मैं इसको पूरा जूम करके भी आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से इसमें ये वूलन वाला है, तो ये काफ़ी प्यारा सा है। एंड ये इसमें रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर के और क्रीम कलर के कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें प्रिंट नहीं है, पर कुछ इस तरीके की इसमें प्रिंट वगैरह की गई है। एंड ये फुल स्लीव्स में है, एंड स्लीव्स के यहाँ पे भी ये इस तरीके का ये पैटर्न है, जिससे कि ये ना आगे खिसकता नहीं है और बच्चे को यहाँ से फिट रहता है। और ये जो ग्रिप वगैरह दी हुई होती है इससे, तो ये ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। एंड ये नीचे से कुछ इस तरीके से नीचे में भी इसमें ग्रिप दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड और गाइस पीछे से ये कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल सिंपल है। ओवरऑल जो इसका लुक है पूरा सिंपल सा है, तो लुक काफ़ी अच्छा है। एंड हमारे यहाँ पे हम रहते हैं गुजरात में, तो गुजरात में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, तरीके की ठंडी के लिए ये बेस्ट है। ये ही मतलब यहाँ पे खूब आसानी से, बहुत ज़्यादा ठंडी है नहीं, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटा लेने की ज़रूरत नहीं थी। एंड गाइस इसकी जो प्राइस है वो है मतलब कि 260 रुपये, एंड फिक्स प्राइस था। तो अगर आपकी सिटी में भी इस तरीके के स्वेटर कितने के मिलते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड गाइस इसमें भी आई थिंक 3-4 कलर थे, 3-4 के और भी ज़्यादा थे, लेकिन ये मोस्टली जैसे ग्रीन हुआ, रेड हुआ, येलो हुआ, एंड एक वाइट था, नेवी ब्लू था, एंड एक ऑरेंज टाइप ऑफ कलर था, इस तरीके के ही कलर थे मोस्टली, तो बाकी और ज़्यादा कलर नहीं थे, और एक ये कलर था, तो फिर मुझे ये ठीक लगा, फिर मैंने यही लिया। एंड मैंने गाइज ये ऑनलाइन भी देखे थे, और इनकी प्राइस वहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा ही मुझे लगी, तो फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन ही मैं ले लेती हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो फिर ठंडी की तो यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी होती है, तो फिर ये थी मेरी जो शॉपिंग थी। और मैं अब गाइस सेकंड वाला प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ, जो कि वो भी मैंने वहीं से लिया है। एंड गाइस ये है एक टी शर्ट, जो कि मुझे बच्चे को पहनाने थी स्पोर्ट्स डे के लिए, तो उनको चाहिए थी कि वाइट प्लेन टी शर्ट हो, और फिर वो एक बार मतलब उन्होंने बोला कि स्कूल का हम प्रिंट करवाएंगे, लेकिन फिर उनका मतलब चेंज हो गया था कि स्कूल का नहीं करवाएंगे, जो भी आप मतलब प्रिंट वाली भी आप बच्चे को पहना सकते हो। तो फिर हमने मतलब कि ये ली, और फिर ये मतलब एक ऐसी टी शर्ट थी कि मुझे थोड़ी पसंद आई और अच्छी भी थी,
और उन्होंने बोला था कि बिल्कुल सिंपल सी हो, बिल्कुल हल्की लाइट वेट, क्योंकि जैसे दौड़ने वगैरह के लिए कि मतलब उस तरीके की हमें टी शर्ट बच्चे को पहना नहीं थी, तो फिर हमने ये ली। एंड ये आप देख सकते हो ये इस तरीके से है, राउंड शेप में है और नेक मतलब काफ़ी अच्छा इसका ये पैटर्न मुझे लगा, हाफ स्लीव्स में है। एंड नीचे का जो इसका शेप है वो एप्पल कट में है, मतलब कि थोड़ी ऐसे साइडों में से थोड़ी ऊपर और मतलब बीच में से थोड़ी नीचे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी प्रिंटिंग भी नहीं थी और बैक इसका पूरा प्लेन था, तो ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा, फिर हमने यही लिया था। एंड जो पूरा ड्रेस कोड था वो ब्लू जीन्स एंड वाइट टी शर्ट था, तो फिर इसमें ब्लू वाली पट्टी भी थी, तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा मैच भी कर जाएगा। एंड वैसे इसके पास वाइट शर्ट वगैरह भी थी जो कि प्लेन थी, लेकिन फिर हमें लगा टी शर्ट ही मतलब वियर करे ढंग से, तो फिर ये मतलब अच्छे से पेंट पे भी मैच हो रही थी, फिर हमने यही वाली ली थी। एंड इसकी प्राइस आई थिंक ये थी 150 रुपीज़ की, एंड काफ़ी सस्ती और बहुत ही अफोर्डेबल टी शर्ट है ये। एंड गाइस इस तरीके की टी शर्ट जैसे ऑनलाइन भी जैसे पैक ऑफ अगर 5 मंगवाते हो, अलग अलग कलर वगैरह आते हैं उनके भी, लेकिन वो भी मतलब कि काफ़ी अच्छी एंड सस्ती पड़ रही थी, तो मतलब कि मुझे भी ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। तो अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हो तो मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पे पिक्स, आप देख लीजिएगा। तो मुझे मतलब कि वो भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन शायद उनका जो मटेरियल है वो मतलब कि उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके की टी शर्ट वगैरह लेने से पहले मटेरियल वगैरह सारा पूरा जो डिस्क्रिप्शन उनका दिया हुआ होता है उसको रीड करके ही परचेज कीजिएगा, बाकी अफोर्डेबल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। लेकिन बस यही है कि आपको मतलब कि जैसे पैक ऑफ 2 का या फिर 5 का या 3 का ऐसे लेना रहेगा तो शायद वो आपको थोड़ी कम प्राइस में मिलेगी, बाकी तो फिर उनकी थोड़ी प्राइस ज़्यादा ही रहती है। एंड गाइस अब जो लास्ट प्रोडक्ट है वो भी मैं आप लोग शायद शेयर अब जो करती लास्ट हूँ। प्रोडक्ट है वो है, ये एक टी शर्ट है एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जो ये टी शर्ट है ये कुछ इस तरीके से है, एंड इसका जो कलर है ये है जो ग्रे कलर होता है, लाइट वाला ग्रे कलर वैसा कलर है। एंड ये भी अभी विंटर के लिए काफ़ी अच्छी है एंड ये फुल स्लीव्स में है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसको, इसका जो नेक है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ से पूरा राउंड शेप में है एंड ये पूरा मतलब कि बंद रहता है, ऊपर तक आती है ये नेक के। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो ये फुल स्लीव्स है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो विंटर के लिए काफ़ी अच्छा है, इसको आप इनर भी एज ए यूज़ कर सकते हो कि जैसे बच्चे को शर्ट के अंदर एंड ऐसे पहना सकते हो भी विंटर वगैरह में। एंड ये इसकी स्लीव्स है एंड टी शर्ट बहुत ही अच्छी है एंड अंदर से वूलन की है तो ठंडी में भी मतलब ये काफ़ी अच्छा वर्क करने वाली है। ओवरऑल अगर इस टी शर्ट की बात करूँ तो मतलब कि ठंडी के लिए बेस्ट टी शर्ट है ये, अगर जैसे कि कहीं हम जा भी रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये वाली जो टी शर्ट है वो बहुत अच्छी है। और पूरी टी शर्ट ऐसे ऊपर से पूरी नीचे तक ऐसे सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड बैक में भी कुछ इस तरीके से ही है, ये पूरी पूरी जो टी शर्ट है बैक में भी पूरी सिंपल है, इसमें कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं है। तो इस तरीके की शर्ट को टी शर्ट को आप जैसे शर्ट के अंदर ऐसे यूज कर सकते हो। जो ये टी शर्ट है ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है एंड इसमें भी ऑलमोस्ट 7 to 8 कलर अवेलेबल थे। एंड गाइस ये सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन भी देखे ना, तो मतलब इनकी प्राइस ना मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, और ये वाली टी शर्ट मुझे ऑफलाइन जैसे मैंने अगर लोकल इसको परचेज की थी 200 रुपये में मुझे पड़ी है। एंड सर्दियों के लिए स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छी लगी है ये, तो अगर आप भी, और इसमें ना साइज भी सभी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन भी लोगे तभी भी आपको साइज़ वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं, और इसमें भी साइज़ वगैरह अवेलेबल थे तो ये मैंने ली थी। एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के भी मैं सारे फोटोज़ यहाँ पे लगा दूंगी जो मैंने देखी थी। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करिएगा, ताकि मेरे और भी जो आने वाले वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन बाय गाइज, मिलूंगी मैं नेक्स्ट इसी टाइप के कोई और वीडियो में जो कि रिव्यू वीडियो रहेगा।